नमस्कार, आज इस पुरानी पैंट का यूज करके बिना सिलाई मशीन के सिर्फ सुई धागे से मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से गोल तकिया बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पैंट को हम इस तरह से खोल लेंगे। देखिए, इस तरह से फैला लेंगे पैंट को। देखिए इस तरह से। अब हम पैंट का जो मुड़ा हुआ कपड़ा है इसे यहां से कट कर देंगे। देखिए इसे कट कर दिया हमने। अब हम यहां से इंची टेप रखेंगे। इस तरह से यहां से 22 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए यहां से यहां तक हमने 22 इंच पे निशान लगा लिया है। आप अगर लंबाई ज्यादा रखना चाहते हैं तो आप लंबाई बढ़ा भी सकते हैं इसकी। अब इस निशान को हम इस तरह स्केल से सीधा खींच लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। देखिए इसे हमने कट कर लिया है। अब इसे हम उल्टा कर लेंगे। देखिए इसे हमने उल्टा कर लिया है। ये देखिए सिलाई वाली साइड है इस तरह से। अब देखिए एक सुई धागा लेंगे। मैंने धागे को 3-4 बार फोल्ड करके डाल लिया सुई में, जिससे कि मजबूत सा हो गया है। अगर आपके पास ऊन का धागा है तो ऊन का धागा भी यूज कर सकते हैं आप। अब देखिए यहां से लेंगे, इस तरह से बड़े बड़े टांके लगाएंगे। देखिए इस तरह से। पूरे राउंड में हमें इस तरह से बड़े बड़े टांके लगाने हैं। जहां से हमने टांके शुरू करे थे वहीं तक लाना है इसे घुमाते हुए। देखिए टांके लगाते हुए हम वहीं पर आ गए हैं जहां पर हमने शुरू किया था। अब इस धागे को पकड़ेंगे, इसे पकड़े रहेंगे, इसे खींचेंगे इस तरह से। सारे कपड़े को इकट्ठा कर लेंगे। अब यहाँ पे नॉट लगा लेंगे, टाइट से नॉट लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसे यहाँ से सिलाई से पक्का कर लेंगे। देखिए सुई धागे से इसे पक्का कर लेंगे यहाँ पे। अब इसे पक्का कर लेंगे, यहाँ पे नॉट लगा के पक्का कर लेंगे। धागे को कट कर लेंगे। देखिए इसे यहाँ पे हमने पक्का कर लिया है। अब इसे सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसे एक साइड रखते हैं। पैंट का बाकी बचा हुआ कपड़ा लेंगे जहां से हमने पहले कटिंग की थी। देखिए इस तरह से एक सिक्का लेंगे। आप चाहें तो किसी बोतल का ढक्कन भी ले सकते हैं। इसे इस तरह रखेंगे और इसके चारों तरफ एक एक इंच का गैप देते हुए निशान लगा लेंगे। यहां से यहां तक एक एक इंच का गैप देते हुए चारों तरफ निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब सिक्के को हटा लेंगे, इसे कट कर लेंगे। किसे हमने कट कर लिया। एक साथ हमारे दो सर्कल कट हो गए हैं। एक सर्कल लेंगे, इसमें भी गोल घुमाते हुए पूरे राउंड में टांके लगा लेंगे। इस तरह से बड़े बड़े टांके लगा लेंगे। देखिए इसमें हमने पूरे राउंड में टांके लगा लिए हैं। इसे रखेंगे। थोड़ी सी कॉटन लेंगे। अगर आपके पास कॉटन नहीं है तो आप कपड़े की छोटी छोटी कतरने भी ले सकते हैं। इस तरह रखेंगे, सिक्के को यहाँ पर रखेंगे, उसे इस तरह खींच लेंगे धागे को। देखिए इस तरह से धागे को खींच लेंगे। अब यहां से इसे सिलाई से पक्का कर देंगे। सिलाई से यहां पे पक्का कर देंगे इसे। यहां पे इस तरह पक्का कर लेंगे। ये देखिए, अब इसे लेंगे, इसके अंदर इस तरह हाथ डालेंगे। यहां से इस तरह इसे यहां पे रखेंगे। अब यहां पे इसे सिलाई से पक्का कर देंगे। सुई धागे सिल लेंगे इसे। देखिए इस तरह से यहाँ पे सिल लिया हमने इसे बिल्कुल सेंटर में। अब इसके अंदर हमें कपड़े भरने हैं। जो भी हमारे पास पुराने कपड़े हों या कपड़े की छोटी छोटी कतरने हों या पुरानी रोई हो तो आप कुछ भी इसमें भर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पुराने कपड़े लिए हैं। देखिए इसे पूरा मैंने कपड़ों से भर लिया है, पूरा अच्छी तरह टाइट भर लिया है इसे। और फिर से सुई धागा लेंगे और एक जगह से इस तरह टांके लगाएंगे। बड़े बड़े टांके लगाएंगे, बिल्कुल किनारे पे टांके लगाने हैं हमें। ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना इस साइड से। देखिए इस तरह से किनारे किनारे पे बड़े बड़े टांके लगाएंगे पूरे राउंड में। देखिए वहीं पर आ गए हम जहाँ पर हमने शुरू किया था।
अब इस धागे को पकड़े ही रहेंगे, इसे खींचेंगे इससे टाइट से, और पहले नॉट लगा देंगे यहाँ पे, टाइट से नॉट लगा लेंगे इस तरह। देखिए दोनों धागों को पकड़ के हमने नॉट लगा लिया है यहाँ पे। अब इसे सिलाई से थोड़ा पक्का कर लेते हैं। पक्का कर लिया हमने। अब दूसरा सर्कल लेंगे, इसके भी पूरे में राउंड में कच्चे टांके लगा लेंगे। पूरे सर्कल में हमने बड़े बड़े टांके लगा लिए हैं। अब थोड़ी सी कॉटन भरेंगे इसमें, एक सिक्का रखेंगे इसके सेंटर में और इस धागे को खींच लेंगे। अब इसे यहाँ पे सिलाई से हम पक्का कर देंगे। देखिए इसे पक्का कर लिया हमने यहाँ पे, ये देखिए। अब इसे लेंगे पहले यहाँ पे इस तरह से सुई धागे से लगा लेंगे इसे। देखिए दूसरे बटन को हमने सिलाई से यहाँ पे सिल लिया है। देखिए इस तरह हमारा गुलदस्ता बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। देखिए